गोपालानंद स्वामी स्वामिनारायण संप्रदाय के सबसे पूजनीय संतों में से थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1837 को गुजरात के इडर के पास तोरडा नामक गांव में हुआ था। गोपालानंद स्वामी संप्रदाय के सबसे तपस्वी और प्रभावशाली संत थे। इन्होंने ही सारंगपुर में सुप्रसिद्ध अष्टभंजन हनुमान जी मंदिर की स्थापना की थी और मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ आज भी हनुमान जी महाराज साक्षात है और अनेक दुखी जीवों को भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। गोपालानंद स्वामी भगवान स्वामिनारायण की तिरोधान के बाद संप्रदाय की धुरा को संभालने में उन्होंने आचार्यों की बहुत मदद की थी और मुख्य रूप से वे वड़ताल मंदिर में ही निवास करते थे। गोपालानंद स्वामी संस्कृत के महाविद्वान थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में 19 संस्कृत ग्रंथ और 6 ग्रंथ अन्य भाषाओं में लिखे थे, जिनमें शिक्षापत्री की मराठी टीका भी शामिल है। इसके अलावा वचनामृत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना में गोपालानंद स्वामी का सबसे बहुमूल्य योगदान था। गोपालानंद स्वामी की मृत्यु विक्रम संवत 1908 को वड़ताल के स्वामिनारायण मंदिर में हुई थी। उनका समाधि स्थल आज भी वड़ताल के ज्ञान बाग में उपस्थित है।